Guys, welcome to RJ Coaching YouTube channel. हमने aldol reaction शुरू की हुई है, तो आज हम उसका last topic करेंगे, जो एक topic रहता है cross aldol reactions. तो cross aldol reaction क्या होती है कि जब हमारे पास अलग-अलग की तरह की species react करें, जैसे कि हमने तक जो aldol reactions की उसमें या तो हम reactants लेते थे, दोनों ketone लेते थे या दोनों aldehyde लेते थे, लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि एक हमारे पास कीटोन होता है और एक एल्डिहाइड होता है. ऐसे दो अलग अलग स्पीसीज एक कीटोन रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी टू रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन अचीव करने के लिए. हमारे पास टू रिक्वायरमेंट हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें जो हमारे दो रिएक्टिव पार्टनर्स हैं उनमें से एक सिर्फ एक ही इनोलाइजेशन कर सकता हो, दोनों इनोलाइजेशन के लिए कैपेबल ना हो, मीन सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे वही हमारा इनोलाइजेशन के लिए कैपेबल होगा. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ एक ही पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो इनोलाइजेशन कर सके. और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि दूसरा वाला जो पार्टनर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए फर्स्ट वाला जो पार्टनर इनोलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि जो इनोलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे जब हमारे सेकंड पार्टनर पे अटैक करना है तो उसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए. तो सेकंड रिक्वायरमेंट है द अदर पार्टनर मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर. जिसकी इनोलाइजेशन की है हमने उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए सेकंड हमारा दूसरा पार्टनर, तभी हमारी एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सेकंड पार्टनर वही वाला है ना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसे मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन जो होगी क्रॉस एल्डोल नहीं होगी, सिंपल एल्डोल रिएक्शन होगी. तो शुरू करते हैं, हम शुरू करेंगे. हमारा कीटोन हम ले रहे हैं PhCOMe, ये हमारा है कीटोन, और हम एल्डिहाइड ले रहे हैं 4-नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, ये हम ले रहे हैं बेंज एल्डिहाइड 4-नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड हम ले रहे हैं. तो इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं. पहले तो हमारा ये कीटोन है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है 4-नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड. ओके, ये हमारे दो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच हमने रिएक्शन करनी है. यहाँ पे एच इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एच डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है. तो अब देखते हैं हमारे पास किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं. एल्डिहाइड में यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, पूरी कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच नहीं है, नो अल्फा प्रोटॉन्स, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फा प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है इनोलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे इनोलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा इनोलाइजेशन नहीं करेगा. तो हमारा कीटोन को इनोलाइजेशन करनी होगी. देखते हैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 पूरी है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन.
यहाँ पे हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये वाले यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इनोलाइजेशन होगी। इनोलाइजेशन जो है पॉसिबल है यहाँ पे। और एक जो बात है कि हमारे पास जो स्पीसीज होनी चाहिए यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो अनसिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर अनसिमेट्रिक नहीं होगी तो वो दोनों तरफ से इनोलाइजेशन करेगी, जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। तो हम अनसिमेट्रिक ले रहे हैं जिसके सिर्फ एक ही तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इधर से भी रिएक्ट कर दे तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि रिएक्शन होगी। सिर्फ इसी यहीं पे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम करते हैं, हमारा कीटोन जो है वो इनोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में हमारा जो कीटोन है वो इनोलाइज होगा और हमें इनोलेट देगा। यहाँ पे मैं H को खोल के बना लेता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये H एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। और ये सारा मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप बाकी अगर आपने नहीं देखे हैं तो बाकी की वीडियोज़ को जाके कंसल्ट करें। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे अब हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऊपर, तो यहाँ पे रह गया सिंगल बॉन्ड। ये शिफ्ट हुआ ऊपर, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अब नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हमारा बन गया है इनोलेट। ओनली पॉसिबल इनोलेट है, इसके अलावा और कोई इनोलेट जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों कोई और इनोलेट पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन थे ही नहीं, तो ये तो इनोलाइजेशन करेगा ही नहीं। सिर्फ इसे करनी थी इस साइड से, तो ये कर नहीं सकता। इस साइड से करेगा तो वो ही हमने कर दिया, तो सिर्फ एक ही इनोलेट फॉर्मेशन हुई है। और अब नेक्स्ट स्टेप होना है, इसीलिए अब आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये कहती है कि रिएक्शन जो सेकंड वाला है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, अब आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि वो रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हमारे पास ये इनोलेट बन गया है, अब ये इनोलेट बन गया है हमारे पास। अब इसने अटैक करना है। अब इसके पास अटैक करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये अटैक करेगा हमारे एल्डिहाइड पे, जो हमारे रिएक्शन में है, या फिर ये रिएक्ट करे हमारा कीटोन के साथ ही, जो भी रिएक्शन जो रिएक्शन में प्रेजेंट है, जिससे हमें इनोलेट बन मिला है। क्योंकि वहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी प्रोसेस नहीं है कि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसका रीज़न हमें जस्टिफाई करना होगा कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा और क्यों नहीं करेगा। अगर किसके साथ करेगा और किसके साथ नहीं करेगा तो ये एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके पास अब टू वेज हैं, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है कि वो अपने कीटोन के साथ रिएक्ट करे और या फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे। अब आपको पता है कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो कीटोन से मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमें पता है कि जो हमारे कीटोन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है देन एल्डिहाइड। तो हमारा एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड जो होगा हमारा जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होगा हमारे कीटोन से। तो यहाँ से ही जो है रिएक्शन जो है हमारे कीटोन पे होनी चाहिए, क्योंकि कीटोन पे नहीं, एल्डिहाइड पे होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। और सेकंड एल्डिहाइड के फेवर में ये भी है कि एल्डिहाइड पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है,
विद्रोइंग ग्रुप है हमारे पास इलेक्ट्रो नाइट्रो एनओ टू ग्रुप जो लगा है हमारे एल्डिहाइड के साथ, वो एक इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है जो कि उसकी रिएक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, जो हमारे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा रिंग पे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास इजीली से अटैक होगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है देन हमारे पास कीटोन से। तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो 100% है कि वो हमारे एल्डिहाइड पे ही होगी। तो रिएक्शन करते हैं, हमारा जो इनोलेट बना है वो हमारे एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। इनोलेट क्या बना है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे अब रिएक्ट करना है हमारे एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड क्या था, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसके साथ हम रिएक्शन करनी है। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन होगी कि हमारा जो ये डबल बॉन्ड है ये जाके इस कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन शिफ्ट होगी ऊपर। तो कैसा होगा हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो कंपाउंड है कुछ ऐसा बनेगा। और जब ये अटैक होगा, जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये डेंसिटी यहाँ पे वापस आएगी। तो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया है, ये अब सिंगल बॉन्ड हो गया जो कि अब इसके साथ जाके अटैच होना है। तो इसके साथ अटैच होना है, ऐसे करके अटैच हो गया। और इसके ऊपर ही हमारे पास क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। और ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये ऑक्सीजन पर आ गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर एक एच ये था और एक एच इसके साथ लगा होगा, एच यहाँ पे आ गए हैं 2। और अब हमारे पास यहाँ नीचे इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी होगी। ये हमारा वो बना है प्रोडक्ट, एक स्पीसीज बनी है। इसके बाद क्या था, बेस प्रेजेंट है वहाँ पे। तो यहाँ से ये एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH जो है वो रिलीज होगा। OH वो रिलीज हुआ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, हमारे पास बना यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास OH अटैच हो गया है, क्योंकि H यहाँ से आया है, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे H है, ये H जो है इसके साथ अटैच होके हमें OH दिया है। और यहाँ पे हमारी रिंग अटैच है एनो 2। अब आगे का स्टेप क्या है, आगे हमारी होनी है डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगी। बेस यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बेस जब यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड और ये ऐसे सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर OH अटैच था, यहाँ पे हमारी रिंग अटैच है NO2। ओके, अब क्या होना है, अब ये नेगेटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये हमारी यहाँ पे शिफ्ट होगी और वोटर यहाँ से OH जो है रिलीज हो जाएगा, जिसने एंड में जिसे हमने यूज़ किया था OR को OH कर लेते हैं यहाँ पे, और OH जो है हमारा रिलीज हो गया है। तो हमारे पास अब क्या मिला है, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये शिफ्ट हुई है, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो यहाँ पे अब सिंगल रह गया और यहाँ पे अब हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। OH चला गया है तो इसे नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हमारी अब रिंग अटैच है NO2। तो ये प्रोडक्ट मिला हमें, फाइनल प्रोडक्ट।
तो ये थी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसका एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो मैं आपको कल कर पाऊंगा, तो एक वीडियो और बनेंगे एल्डोल पे। इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया कि जिसमें हमारे पास वो 5-10 मिनट का पार्ट है, वो हम कल कर लेंगे। तो आज का आपको मैकेनिज्म थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लग समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे उससे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को